मेरे पीछे जो आप एक पिलर देख रहे हैं जिसका नाम है वास्को डिगामा पिलर। एक आम जो है 10 शिलिंग का है। और दिस वन इज ब्रिटिश वन, आई एम सेइंग जस्ट ओके। ओह दिस इज आल्सो गुड। 5 ओके। या थैंक यू अशांत। ओके वेट अ सेकंड, आई पे यू। ओह थैंक यू तो आप चीनिया आ रहे हैं तो जितना आम खाना है खाइए, बहुत डिलीशियस है। सिर्फ 10 शिलिंग में सोचिए कितना सस्ता है। और ये देखिए बॉक्सर, एक टाइम था जब पता नहीं लगता कि 2000 के आसपास कितना पॉपुलर था बॉक्सर इंडिया में। अब तो नहीं है, यहाँ अभी बहुत पॉपुलर है। ठीक है, इसके लिए टिकट लगता है यहाँ पे 500 का। ओह तो 500 रुपये का टिकट लग गया भाई, सिर्फ पिलर ही देखने का। 500 केनियन शिलिंग। आप मेरे पीछे जो ये पिलर देख रहे हैं इसका नाम है वास्को डिगामा पिलर। वास्को डिगामा जो है लिस्बन से होते हुए पहले मोजाम्बिक अफ्रीका में, फिर वहाँ से मोम्बासा और फिर मलिंडी, और ये जगह है इसका नाम है मलिंडी। यहाँ से वो पहुँचा था कालीकत 23 दिन का जर्नी करते हुए यहाँ से। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताना चाहूँगा। तो वास्को डिगामा का जन्म जो है 1469 पुर्तगाल में हुआ था, और वो समुद्री रास्ते से भारत पहुँचने वाले पहले यूरोपियन थे। एक समय था जब दुनिया का हर व्यापारी भारत पहुँचना चाहता था, और किस लिए? बिल्कुल इसलिए, गरम मसाला। इंडिया जो था उस समय पेपर जो बोलते हैं ना, हमारे भाषा में बोलते हैं बिहार में, सिर्फ गोलकी का एकमात्र जो उत्पादक था वो सिर्फ भारत था। और होता कहाँ था ये आपका केरला रीजन में होता था, ये जो आपका पेपर जो होता है वो। और इसके लिए यूरोप से हर व्यापारी इंडिया पहुँचना चाहता था, व्यापार करना चाहता था। तो 1497 में इस तरह से ही वास्को डी गामा निकला भारत के खोज के लिए। तो होता क्या था कि एक्चुअली वैसे पेपर तो यूरोप तक पहुंचता पहले भी, लेकिन बीच में अरब मर्चेंट्स जो है, मुस्लिम मर्चेंट्स, वो क्या करते थे, कमीशन रख लेते थे, और फिर पेपर जो है वो आपका ज़मीन के रास्ते में पहुंचता था यूरोप। लेकिन ऑब्वियसली आप वहाँ आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा था यूरोपियन एम्पायर्स को। तो उन्होंने सोचा कि चलो रास्ता खोजा जाए, ताकि हम समुद्र के रास्ते हुए हम डायरेक्ट इंडिया पहुँच जाएँ, और जो हम कमीशन जो दे रहे हैं
अरब मर्चेंट्स को वो ना देना पड़े। और उस समय जब वास्को डी गामा केरला पहुंचता है, कोजी कोड़े बेसिकली, वैसे उस समय केरला में भी बहुत सारा किंगडम होता था। तो जब वास्को डी गामा पहुंचता है कोजी कोड़े कालीकट उस समय का, तो वहाँ उसको मिलता है किंगडम जिसका नाम था जमोरिन किंगडम, जमोरिन किंगडम। और जमोरिन किंगडम जो उस समय जैसे आज हांगकांग या सिंगापुर है वैसे उस तरह से वो बहुत बड़ा एक पोर्ट का हब था। उसके अलावा वो जो वहाँ का जो राजा था उस समय का, उसका जो सोच था बहुत अलग था। वो बिल्कुल फ्री ट्रेड चाहता था अपने पोर्ट पे, हार्बर पे। और इस तरह से जब वो वास्को डी गामा वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से अरब मर्चेंट्स जो हैं ऑलरेडी वो बिज़नेस कर रहे होते हैं सेंचुरी से। लेकिन कालीकट के जो अरब मर्चेंट्स थे वो क्या था कि वो मोनोपोली चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी यूरोप का आके यहाँ पे बिज़नेस करे। तो जब वास्को डी गामा दूसरी बार भारत पहुँचते हैं तो इस बार क्या होता है कि वो ज़्यादा समुद्री जहाज़ों के साथ आते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ आते हैं और ज़्यादा मर्चेंट जो हैं यूरोपियन मर्चेंट्स, पुर्तगाली मर्चेंट जो हैं वो भारत आते हैं इस बार। और उनको इस बार कुछ पता था कि हो सकता है कि उनको युद्ध करना पड़े अरब मर्चेंट्स के साथ, क्योंकि अरब मर्चेंट्स जो है नहीं चाहते थे कि यूरोपियन मर्चेंट आके यहाँ पे बिज़नेस करे। तो क्या होता है कि अरब मर्चेंट्स जो हैं वो पुर्तगालियों पे हमला कर देते हैं। शुरू में पुर्तगालियों को तो नुकसान पहुँचता है, लेकिन क्योंकि पुर्तगाली जो है पूरी तरह से प्रिपेयर थे ऐसे किसी चीज़ के लिए, पुर्तगाली जो है बहुत ज़बरदस्त रिटेलिएट करते हैं और करीब करीब 600 अरब मर्चेंट्स को जिंदा जला देते हैं और उनके सारे जहाज़ों को भी जला देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि पुर्तगालियों का पूरी तरह से वर्चस्व बन जाता है आपका कालीकट पे। तो चलता हूँ यहाँ से, बहुत ज़्यादा धूप है। ये था एक शॉर्ट वीडियो जिससे आपको थोड़ा जानकारी हो सके हिस्ट्री का। ऐसे मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है और मुझे ऐसे जगह एक्सप्लोर करना भी बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।